सो हेलो वाइट फैमिली, वेलकम करते हैं आप सब लोग एक और एफएफटू टेक की न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सारे के सारे चीज़ चेंज से होने वाला है, जैसे कि लाइक मतलब नेक्स्ट गोल्ड रॉयल आने वाला है जो कि आपको 3 दिन या 4 दिन बाद चेंज होने वाला है। नेक्स्ट डायमंड रॉयल भी उसी प्रकार से चेंज होने वाला है, एंड नेक्स्ट वेपर रॉयल, नेक्स्ट टॉप पॉप, यानी कि पूरा चीज़ आपको जो जो नेक्स्ट आने वाला है ना, नेक्स्ट इंक्यूबेटर से लेकर नेक्स्ट गोल्ड रॉयल, नेक्स्ट डायमंड रॉयल, नेक्स्ट वेपर रॉयल, नेक्स्ट टॉप अप, सारी चीज़ इस वीडियो में आप लोग को कवर करने वाला हूं, एंड सारी चीज़ बताने वाला हूं कि नेक्स्ट क्या आने वाला है। तो गाइस, वीडियो पूरा काफी इंटरेस्टिंग और काफी ओपी होने वाला आप लोगों के लिए। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, जरा सा भी मिस कर मत कीजिएगा, क्योंकि गाइस सारे के सारे चीज आप लोगों को इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन देने आया हो। तो गाइस, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। हालांकि ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ, लेकिन एक ही वीडियो में सोचा कि चलो आप लोग को एक ही वीडियो में सारे के सारे इंफॉर्मेशन दे दिया जाए, इसीलिए मैं आ चुका हूं एक ही वीडियो में टोटल इंफॉर्मेशन ले कर। तो फ्रेंड, चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपको वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब तो गाइस, सबसे पहले बात करें अपना नीचे से साइड शुरुआत करते हैं, तो आप लोगों को नीचे की साइड सबसे नीचे आप लोगों को डायमंड रॉयल देखने को मिल जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से फीमेल वाला बंडल चल रहा है, जो कि काफी मतलब नॉर्मल सा है, अच्छा नहीं है ना ही ज्यादा बेकार है। इसके बाद कौन सा बंडल आएगा आप लोगों को, फीमेल या मेल, तो यही कंफ्यूजन है आप लोगों को, तो ये कंफ्यूजन दूर कर देना चाहता हूं। सबसे पहले तो इसका बात करें तो सबसे पहले फीमेल बंडल आएगा, अभी मेल बंडल का कोई भी कथा पता नहीं है कि कब देने वाला है। फीमेल बंडल आएगा नेक्स्ट, एकदम 100% कंफर्म हो चुका है, बट फीमेल में भी कौन सा आएगा वही डाउट है ना आप लोगों को। तो फीमेल में भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ इस प्रकार से आप लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट करके आपको बंडल देखने को मिलने वाला है, कि आप लोगों को इसके अंदर टोपी देखने को मिल जाएगा, एंड गाइस इसका टी शर्ट मतलब ब्लैक एंड व्हाइट आप लोगों को कॉम्बिनेशन वाला बंडल आपको देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट वाला आपको डायमंड रॉयल के अंदर। और ये फीमेल का होने वाला है, जो कि मैं आपको बता दिया, इस पर अभी फीमेल चल रहा है, लेकिन फिर से नेक्स्ट भी जो आएगा वो भी फीमेल का ही आएगा भाई लोग। गाइस, ये नेक्स्ट डायमंड रॉयल मैं आपको बता दिया, अभी चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को बताते हैं नेक्स्ट गोल्ड रॉयल कौन सा देखने को मिलने वाला है भाई लोग। नेक्स्ट गोल्ड रॉयल अभी मैं आपको ऑलरेडी ये इस पर भी बता दिया हूँ कि नेक्स्ट गोल्ड रॉयल कौन सा मिलने वाला है, मतलब आने वाला है, तो एक बार और बता देना चाहता हूँ क्योंकि सब तो बता ही रहा हो। तो नेक्स्ट जो गोल्ड रॉयल आप लोग को देखने को मिलने वाला है ना भाई लोग, वो अभी चल रहा है कुछ इस प्रकार से, देख सकते हो फीमेल वाला बंडल, जो कि कुछ इस प्रकार से है, नॉर्मल सा है। और गोल्ड रॉयल का ही क्या ही चाहिए आप लोग को, हार्ड चाहिए क्या गोल्ड रॉयल में, तो नॉर्मली मिलने वाला। तो गाइस, नेक्स्ट जो आएगा वो मेल वाला बंडल आएगा, बट मेल में भी कौन सा बंडल आएगा, कैसा बंडल होने वाला है, तो मेल में जो बंडल होने वाला है ये वाला बंडल होने वाला है भाई लोग, देख सकते हो, जो कि आप लोगों को कुछ कुछ इलाइट पास, एक इलाइट पास का है ये, पता नहीं अब कौन सा इलाइट पास का नाम नहीं याद है, बट गाइस मैं आपको बार बार बताता हूँ ना कि इलाइट पास जैसा मेरे को लग, तो इस प्रकार से बंडल होने वाला है भाई लोग, देख सकते हो। और ये गाइस मतलब बीडी सर्वर में एकदम 100% कंफर्म हो चुका है बांग्लादेश सर्वर में, बट इंडिया सर्वर में थोड़ा थोड़ा डाउट है, 80% चांस है कि आप लोग को इंडिया सर्वर में देखने को मिल, बट बांग्लादेशी भाई लोग को जो जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग के लिए एकदम 100% कंफर्म हो चुका है कि आप लोग को यही नेक्स्ट गोल्ड रोल देखने को मिलने वाला है। अभी गाइस चलिए गाइस, नेक्स्ट डायमंड रोल, नेक्स्ट गोल्ड रोल हो गया, अभी नेक्स्ट आप लोगों को नेक्स्ट वेपन रॉयल बता देना चाहता हूं। तो नेक्स्ट वेपन रॉयल कौन सा वेपन का आपको देखने को मिल जाएगा, तो देखिए भाई लोगों, नेक्स्ट जो वेपन रॉयल अभी जो वेपन रॉयल चल रहा है वो आप लोगों को कुछ इस प्रकार से मतलब पैराफिल का चल रहा है, और पैराफिल गन बहुत ही ज्यादा तगड़ा बना दिया भाई लोग, जिसको भी अगर नहीं है स्किन तो निकाल लो, बहुत ज्यादा ओपी चलता है पैराफिल। मैं भाई गन तो भाई पैराफिल ही चलाता हूँ गेम के अंदर, बीआर में खेलता हूँ। अभी गाइस मुद्दे से भटक रहे, आप लोगों को टॉपिक के ऊपर आते हैं कि नेक्स्ट आप लोगों को वेपन रॉयल कौन सा देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट जो वेपन रॉयल होने वाला है ना, वो आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया हूँ, आप लोगों को कुछ इस प्रकार से किंग फिशर की स्किन देखने को मिलने वाली है, जो कि कुछ इस प्रकार से होने वाला है, और ये डबल डैमेज होने वाला है इसका, ऐसा कुछ होने वाला है। एंड गाइस ये इसका लुक वगैरह भी काफी सही है, तो गाइस जिसके पास नहीं स्किन है आप लोग इसको निकाल सकते हो, एंड जिसके पास है तो उसके लिए तो वाह। और गाइस पैराफिल नहीं निकाले हो तो अभी पास वाउचर है, तो पैराफिल निकालने की ट्राई कर लो, क्योंकि किंग फिशर से अच्छा तो पैराफिल ही है भाई। अभी चलिए गाइस नेक्स्ट इवेंट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपना बताते हैं अब नेक्स्ट टॉप अप इवेंट। तो देखिए नेक्स्ट टॉप अप इवेंट बताते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, कि आगे भी आप लोग को ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियो आप लोग के लिए हमेशा लाता रहूंगा और आप लोग इंजॉय करते रहिएगा। तो फ्रेंड अभी चलिए गाइस
नेक्स्ट टॉपअप इवेंट बता देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट टॉपअप इवेंट आप लोगों को कौन सा और किस टाइप का देखने को मिल जाएगा। तो देखिए भाई लोग, अभी जो टॉपअप इवेंट चल रहा है वो कुछ नॉर्मल सा टॉपअप चल रहा है, अलवारो वाला टॉपअप चल रहा है, जो इसमें आप लोग को एक बैकपैक की स्किन देखने को मिल रही है जो कि एकदम टट्टी सा बैकपैक है। एंड गाइस उसी के साथ मैं आपको यूजी बोल रहा हूँ गाइस, आप लोग को मतलब ट्रीटमेंट गन की स्किन देखने को मिल रही है जो कि कोई नहीं चलाता है ट्रीटमेंट गन, क्योंकि चलाने वाला ही मर जाता है इससे। सो आप लोग को नेक्स्ट टॉपअप इवेंट कौन सा देखने को मिलने वाला वही सोच रहे हो ना, तो नेक्स्ट जो टॉपअप इवेंट है वो आप लोग को सुबह ही आप लोग को बताया था कि नेक्स्ट टॉपअप इवेंट आप लोग को एक हाइपर बुक टॉपअप देखने को मिल जाएगा जो कि आप लोग को बुक के अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये जो हाइपर बुक दिखा रहा है न्यू वाला मतलब रन स्टोन हाइपर बुक, ये आप लोग को देखने को मिल जाएगा 100 डायमंड के टॉपअप में, और इसके अंदर रिवॉर्ड वगैरह सब चीज देखना है, अगर जानना है तो आप लोग को मेरे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहां से आकर जाकर देख सकते हो। आप लोग को टोटल रिवॉर्ड का रिव्यू कर दिया हूँ कैसा क्या होने वाला है। एंड गाइस आप लोग वहाँ अगर देखना है तो वहाँ से अब तक जाकर देख सकते हो, या फिर लैब सिस्टम में भी आप लोग जाकर देख सकते हो इजी तरीके, जिसमें आप लोग को मतलब गन की स्किन, ग्लूवल की स्किन एंड गाइस इमोट का तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इमोट लगा मुझे गाइस इस बार का, और रमदान का थीम के ऊपर होने वाला है। तो गाइस और रमदान से याद आया भाई लोग, अभी जो ये जो इवेंट खत्म होगा अलवारो वाला अवेकिंग अलवारो जो वाला इवेंट जो खत्म, तो आप लोग को रमदान वाला इवेंट स्टार्ट होने वाला है। तो रमदान में भी बहुत सारा रिवॉर्ड फ्री में एंड बहुत सारा चीज आप लोग को एकदम फ्री में रिवॉर्ड वगैरह के रूप में देखने को मिलने वाली है। अगर आप लोग को वो सब देखना है तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना है, क्योंकि गाइस शाम को जो रात को वीडियो आएगी वो इसी के टॉपिक के ऊपर होने वाली है कि आप लोग को मतलब जो रमदान का इवेंट है उसके अंदर फ्री रिवॉर्ड कैसा और कौन सा होने वाला। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार, और बोला याद दिला देना चाहता हूँ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। और चले गाइस अब अपना बताते हैं नेक्स्ट आपको इंक्यूबेटर कौन सी देखने को मिलने वाली है, क्या होने वाली है आपको गन स्किन या फिर आप लोगों को बंडल देखने को मिलने वाली है। तो फ्रेंड चलिए गाइस आपको जानते हैं अब। तो भाई लोग नेक्स्ट जो इंक्यूबेटर आपको देखने को मिलने वाली है वो कुछ इस प्रकार से, सबसे पहले तो अभी चल रही है वुडपिकर की, जो कि आप लोगों को देख सकते हो तो चार तीन वुडपिकर की स्किन है जिसमें आप लोगों को सबसे टॉप वाला बेस्ट है, मैं आपको ऑलरेडी बताया भी था। तो अभी तक गाइस ये अभी गन के स्किन का चल रहा है इंक्यूबेटर, तो नेक्स्ट क्या बंडल का आएगा या फिर से गन का ही स्किन कोई देखने को मिलने वाली है। तो गाइस चलिए गाइस बताते हैं, अभी जो आप लोगों को ये जो खत्म होगा 3 दिन बाद या 2 दिन बाद आई थिंक खत्म होने वाला है, तो गाइस इसके बाद आप लोग को कुछ इस प्रकार से बंडल का देखने को मिल वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा सही बंडल है इस बार का, गोल्डन कलर का बंडल है भाई लोग देख सकते हो, तो कुछ इस टाइप का है बंडल होने वाला है। इसमें आपको एनिमेशन काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा, गोल्डन कलर का है एंड बाल का एंड चेस्ट का एनिमेशन पीछे के साइड निकल रही है आग टाइप का कुछ इस प्रकार से, एंड फीमेल वाला कुछ इस प्रकार से होने वाला है उसी का फीमेल वर्जन, जो की काफी सही है। फीमेल वाला भी गोल्डन कलर का है भाई लोग, तो देख सकते हो तो कुछ इस टाइप का फीमेल वाले लोग तैयार हो जाओ निकालने के लिए इसको। एंड और भी बंडल है इसी का, ये वाला बंडल ब्लू टाइप, तो ये वाला बंडल भी काफी सही बंडल लग रहा है जो कि देखने में भी एंड गाइस इसका लुक में भी एंड काफी सही ब्लू टाइप का, मुझे वैसे भी ब्लू वाला कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा है, येलो से ज्यादा मुझे ब्लू वाला पसंद आ रहा है। तो गाइस कुछ इस प्रकार से, एंड उसी के साथ फीमेल वाला बंडल भी इसको देखने को मिल जाएगा, जो कि चार बंडल होने वाला है, चारों के चारों में आपको रिव्यू कर दिया एंड बता। तो बस डियर अब आप लोग को क्या कमेंट करना है, कितने डायमंड रॉयल, कितने वेपन रॉयल, कितने गोल्ड रॉयल, कितने इंक्यूबेटर रॉयल वाउचर है, आप लोग को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है। सभी लोग को देखना चाहता हूँ किसका ज्यादा निकलता है। बस आज के लिए मिलते कोई और बड़े में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।